गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो बिंदास रेखा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का शुरुआत हो गया, अभी बज रहा है 9:30 और अभी हम सुबह में चाय पी लिए थे। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि कल भी बारिश हुआ, परसों भी हुआ, आपको दिखाए भी है ना हम अपने वीडियो में कि कितना यहाँ पानी भी लग गया था। और ये कपड़ा तो कल मेरा सूख भी गया था, लेकिन फिर आज हम इसको सूखने के लिए रख दिए हैं। और इतना ठंडा लग रहा है ना कि नहाए हैं तो कान भी दुखाने लगा है। ठंडा से नहीं दुखाने लगता, उस टाइप से मेरा कान में भी दर्द होने लगा है। और अभी देख रहे हैं बाहर का मौसम भी कितना अच्छा है, उतना धूपा भी नहीं हुआ है, धूपा में गर्मी नहीं है। तो कल रात में बाल में ऑयलिंग वेलिंग किए थे, तेल वगैरह लगाए थे, काफ़ी दिन हो गया था, 10 दिन तक। तो अभी ऐसे तेल लगाए थे, ताकि शैम्पू कर लिए हैं और अभी देखते हैं कि क्या करेंगे। सुबह तो चाय बिस्किट खाए हैं लेकिन ठंड लग रही है, तो मैं थोड़ा सा अभी चाय फिर पीऊँगी और बाकी जो जो करूँगी वो सब आपको दिखाऊँगी। देख रहे बाहर इतना तेज़ हवा है ना, या कुछ देख कर ही पता चलना होगा। और आज सैटरडे है, तो आज भाई सैटरडे को हम लोग के यहाँ ब्लैक पहनते हैं या ब्लू पहनते हैं, तो मैंने अपना ब्लू रंग का सूट पहना। ये सूट है ना, मेरी बेटी की दोस्त मुझे गिफ्ट की थी, वो भी मेरी बेटी ही है, वो मुझे मम्मी ही बोलती है। शायद आप मेरा वीडियो में कभी देखे भी होंगे, उसका नाम खुशी है। अभी मेरा उससे लड़ाई हो गया, मैं उससे गुस्सा हूँ। देख रहे हैं कितना अच्छा हवा लग रहा है, ठंडा ठंडा, लेकिन कान भी दर्द कर रहे हैं मेरे। और मेरा फूल सब में एक भी फूल नहीं होता है। देखिए एक्वेरियम को आज है सर, वो लोग जो गए ना मेरे पड़ोसी गए थे 7 दिन के लिए, लेकिन आज 15 दिन हो गया आज सैटरडे को लेके, लेकिन 2 सप्ताह हो गया लेकिन अभी तक नहीं आए थे। तो एक मछली मर भी गई है और इसमें ऐसे मुझे साफ करनी आता था, लेकिन सूफ 3 बच गए हैं। आज किसी भी तरह सर को बुलाकर, उनका तो ऑफिस रहता है ना, और उसमें साफ करवाई हूँ। तो अभी 3 है सेफ, लेकिन एक मर गया। बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है, कैसे वो मर भी गया। और ये देखिए पौधों से मैं पानी, सबसे प्यारा पौधा तो यही है। देखिए मैं सब में पानी तो दे दी हूँ, लेकिन यही एक मिस्टेक। और ये देखिए जैसे ही आइएगा व्हील चेयर से बजने लगता है गेट खोलते। ये पौधा सब भी ठीक है, इसमें एक पौधा था पता नहीं क्यों इतना ख़राब हो गया है। ऐसे तो मैं आई थी, घर वगैरह बाहर दिए, ये भी पौधा इनका बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ तो ढेर सारा देखिए फूल हो गया इनके यहाँ का बगान। कितना अच्छा फूल सब है, पता नहीं है ये इतना ये नेट क्यों बांध दिए कि डायरेक्ट शायद पानी ना गिरे इस वजह से। कितना अच्छा फूल है ना, पीला वाला ज़्यादा हो गया। मैं लेके पूजा भगवान जी को चढ़ाती, मैं भगवान जी को नहीं चढ़ा, लेकिन क्योंकि इसमें अंडा का छिलका डाला इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। ये देखिए इनका छत, इतना सारा कचरा था, मैं सबको बाहर के एक जगह रख दूँ। इधर बगान देखिए अमरुद अमरुद फड़ा हुआ। इसी बगान में एक सांप रहता है मोटा सा, यहाँ का भी देखिए इनके छत से ये डिश इनका दिख रहा है, वहाँ पर वाला मेरा डिश दिख रहा है। सामने सामने हम लोग का छत है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और वो देखिए वो जुड़वा बच्ची है वहाँ जो आपको दूर में दिख रही है, वो दोनों जुड़वा हैं। फूल मंगन कर रहा है कि बाल में लगा लूँ क्या। एलोवेरा भी है, और ये देखिए मैंने उनके यहाँ से एक एलोवेरा का पौधा लाई हूँ, देखती हूँ लगाकर। तो ये देखिए मैंने एक एलोवेरा का पेड़ भी लगा दिए हैं इसमें, पता नहीं पौधा सा कहता क्या हाल हो गया, सब सूख सूख जा रहा है। ये भी पौधा मेरा पीला हो रहा है, पता नहीं इसमें तो पानी पड़ता ही है लेकिन पीला पीला हो रहा है ये भी। तो पता है उनके यहाँ आज एक मछली मर गया था, इतना बुरा लग रहा है, इसमें चुड़ैल की तरह लग रही है। तो अभी ऐसे देखते हैं क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ग्रेड भी मेरा खराब हो जाएगा, जा रही हूँ कुछ इसका बना ही लेती हूँ आज, तो बदबू बदबू करने लगेगा, हो गया है इसका 2-3 दिन अभी तक ठीक नहीं, खराब नहीं रहा है।
देखते हैं कि अभी क्या बनाते हैं। अभी कुछ तो ऐसा नहीं हुआ है कि बनाए। चाय पीने का मन कर रहा है, अगर आपको भी चाय पीना है तो आ जाइए। तो सोच रही चाय क्या पीऊंगे, हॉर्लिक्स ही पी लेती हूँ, लेकिन मैं चाय वाला हॉर्लिक्स पीती हूँ, बिना चपाती डाले मैं हॉर्लिक्स भी नहीं पीती हूँ, इसी वजह से तो मुझे डांट पड़ता है। मैं ब्रेड भी सीख लेती हूँ। पानी वाला तवा पे रखती हूँ, तीन ब्रेड सेक लेती हूँ, फिर खाऊंगी। फिर भी कितना बचा हुआ मेरा ब्रेड, सोच रही आज क्या बनाऊं, पटल ही मेरा तीन चार बचा हुआ तो खराब हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि जो मेरे पड़ोसी है ना, जो गैर थे बेचारे की, उनकी मम्मी यानी कि जो दीदी है, उनकी सासू माँ, मुझे लगा कि हाँ वो शायद जा रही थी बीमार है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद एक्सपायर कर गई, नहीं तो इतना दिन 7 दिन का वो लोग बोले थे, लेकिन अभी 15 दिन हो गया। तो आपका दिल क्या कर रहा है, मुझे लग रहा है कि तो आज हम लोग यहाँ का जूडियो मॉल घूमने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं मॉल मिलता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे भी बेंगलोर में हम लोग रास्ता हमेशा भटक जा रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत है, ज़्यादा दूर सुनते हैं कि जूडियो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। बेंगलोर में आप ये देख सकते हैं, सैटरडे संडे को इतना भीड़ होता है ना कि मत पूछे। यहाँ आप गाड़ियों की लाइन देख सकते हैं, सब बगल बीजी बीजी, कितना रोड देखिए। आज हम लोग थोड़ा दूर ही जाने के लिए इतना ट्रैफिक में फंसे कि मत पूछे, इतना कार है। एक ये भी गली है, देख सकते हैं इधर भी, यहाँ पे इतना बार वगैरह है ना, इतना। और वो जो ऊपर में आपको दिख रहा है ना, वहाँ रात थोड़ा और रात भर वहाँ लाइट डीजे वगैरह बजना शुरू हो जाएगा, जो इतना दिख रहा है। तो फाइनली देखिए यहाँ का ये जूडियो मॉल है, अब देखते हैं इसके अंदर में क्या मिलता है नहीं मिलता है। देखिए बेंगलोर में ये सब जगह है जहाँ पे सिर्फ पब वगैरह बार वगैरह रहते हैं। ये बहुत अच्छा जगह, यहाँ पे सिर्फ पब बार यही सब।